नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपूर टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, यह आपको आईटीआई संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये मदद करेगा। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक समझ रहे हैं, ठीक है, और आज का सब्जेक्ट जो है वो ड्राइंग से संबंधित और कैलकुलेशन से संबंधित है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है उससे संबंधित है, और ये ड्राइंग में भी ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी ज्यामितीय रचनाएं। यानी अब हम कह सकते हैं कि जितने भी त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब जितने हैं उनकी अध्ययन या रचनाएं जो होती है उसी को हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ज्यामितीय रचनाएं कहते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी, ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी ठीक है, अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पॉइंट है। पॉइंट इसका हिंदी आप समझते हैं, बिंदु होगा। ठीक है, बिंदु होता है। तो बिंदु क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो कोई भी यदि दो सरल रेखा जो होती है एक दूसरे के जहां पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दो सरल रेखाओं के संगम स्थल, संगम मतलब होता है मिलान, जहां पर ये दोनों मिलते हैं इसके संगम स्थल को ही बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेखा, यानी लाइन। ठीक है, अगर कोई भी बिंदु समतल सतह पर गति करती है तो उस पथ को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यानी कोई भी बिंदु समतल सतह पर गति करती है तो उस पथ को रेखा कहते हैं। रेखा जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है, पहला है सरल रेखा, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो है वो वक्र रेखा है, वक्र रेखा, इसका अंग्रेजी होता है कर्व लाइन। यानी जब बिंदु एक ही दिशा में, कोई भी हो, एक ही दिशा में जब चलती है तो उस पथ को सरल रेखा कहते हैं। जब एक ही दिशा में चलेगी तो उस पथ को सरल रेखा कहते हैं, और वक्र रेखा जो है कर्व लाइन है, तो कोई भी बिंदु जब भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में चलेगी तो उसे वक्र रेखा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कोण को समझते हैं। कोण इसका अंग्रेजी होता है एंगल। ठीक है, कोण क्या है, यानी कोई भी दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद से, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को जहां पर काटती है, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो काटने के बाद उसका जो झुकाव होता है, ठीक है, ये जो झुकाव हुआ उसी को कोण कहते हैं। ठीक है, अलग अलग झुका हुआ, मान लीजिए ये इसके लिए ये जो है सरल रेखा यहाँ से और दूसरा सरल रेखा यहाँ है, तो एक दूसरे को काटा तो यहाँ से ये जो कोण झुकाव जो हुआ, ये दोनों का झुकाव जो, उसी को ये कोण कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके कोण जो है, कोण के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले है आपको समकोण, समकोण यानी
जब कोई सरल रेखाएं एक दूसरे को लंब पर यानी 90 डिग्री पर काटती है, समलंब, ठीक है, समलंब पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। इसके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है, यानी जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को समलंब रूप से काटे तो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा है न्यून कोण, न्यून कोण यानी वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। ये कोण का मान जो है 0 डिग्री से अधिक हो और लेस देन ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, उसे न्यून कोण कहेंगे, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहेंगे। और समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण यानी वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जिस कोण का मान हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद है बृहत कोण, ठीक है, वैसे कोण जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उस कोण को बृहत कोण कहते हैं, समझ गए। यानी वैसे कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उस कोण को बृहत कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है सरल कोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, ठीक है, उसे सरल कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण कहते हैं। अब हम त्रिभुज के बारे में समझते हैं।